अब हमने सर्च इंजन को या आसान लफ्ज में गूगल को ये बताना है कि चार वर्जन तो हैं हमारे पास सेम कंटेंट के, लेकिन अब इसमें से करेक्ट वर्जन कौन सा है, अपडेटेड वर्जन कौन सा है। तो कैनोनिकल का एक टैग है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, वो एक्चुअली ये बताता है कि गूगल को ये बताता है या सर्च इंजन को ये बताता है कि कौन से चार वर्जन में से अपडेटेड वर्जन कौन सा है जिसको गूगल अपने पास इंडेक्स करने के लिए यूज करे, यानी अपने पास ये कंसिडर करे कि एक यूआरएल जब मैंने लिखा तो चार मुझे पेजेस नजर आ गए विद द सेम कंटेंट, तो उन चारों में से उसने फाइनल वर्जन किसको कंसिडर करना है। मतलब लुक एट द एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेबसाइट है, आपने /product-list.html लिखा, तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट नजर आ गए वेबसाइट पे जो भी थे। उसके बाद एक और क्लाइंट आया, उसने लिखा product-list.html, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद उसने लिखा sort=color, यानी फॉर एग्जांपल पहले ब्लू दिखा दो, फिर ग्रीन दिखा दो, येलो दिखा दो, यानी किसी एक ऑर्डर में दिखा दो। तो प्रोडक्ट 100 ही हैं, पहली रिक्वेस्ट में 100 प्रोडक्ट रैंडमली नजर आ गए, दूसरी रिक्वेस्ट में जो कंटेंट है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो 100 ही हैं, लेकिन अब वो कलर वाइज सॉर्ट हो गए हैं। इंटरेस्टिंगली लुक एट द थर्ड रिक्वेस्ट, अ product-list.html sort=price, वो कह रहे थे प्रोडक्ट 100 ही हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे सस्ते वाला प्रोडक्ट है वो सबसे पहले दिखा दो, एंड सो ऑन। अब ये बड़ी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है डुप्लीकेट कंटेंट की। अब जब आप गूगल को बोलेंगे जी के इंडेक्स करो, तो गूगल कहेगा जी कि कंटेंट तो तीनों का सेम है, तो मैं किसको इंडेक्स करूं। दिस इज अ कैनोनिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हम डिस्कस की है, एंड दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल। ये अमूमन बहुत कॉमनली ई कॉमर्स के जो स्टोर्स होते हैं, बड़ी कॉमन ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसको हल करने का एक तरीका है, वो तरीका है कि आप एक टैग यूज करते हैं REL का, रेल का, यानी जिस तरह हम लोग टाइटल लिखते हैं हेड के अंदर, हेडर टैग के अंदर, बिल्कुल उसी तरह हेडर टैग में आप लिखते हैं एंगल ब्रैकेट लिंक, रेल इज इक्वल टू अ कैनोनिकल, उसके बाद HREF, और उसके बाद जो भी आपका URL है। अब ये URL जो हमने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ref इज इक्वल टू कैनोनिकल, उसके बाद जो HREF में हमने URL लिखा है ना, ये हमारा वो URL होगा जिसको गूगल यूज करके इंडेक्स करेगा। हमारे केस में ये हमारा जो इंडेक्स जो कैनोनिकल है वो ये पहले वाला URL है, product-list.html, इस प्रोडक्ट को हम HREF के बाद लिखेंगे, इससे मुराद ही। और जो बाकी दो पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल product-list.html ?sort=color, फिर sort=price, उसमें उस कोड में, यानी इन दो पेजेस के कोड में जाके हम ये बताएंगे, यानी जो लिंक URL का जो मैंने आपको टैग लिखा है, ये आप दो पेजेस में, यानी sort=color, sort=price वाले पेज में जाएंगे, HTML वाले पेज में जाएंगे, या हर उस पेज में जाएंगे जहां पे आपको खतरा है कि डुप्लीकेट कंटेंट आ सकता है, वहां पे जाके ये लिंक URL वाली लाइन सिर्फ ऐड कर देंगे हेडर के बाद। दिस इज इट। तो दिस विल टेल सर्च इंजन कि जब वो product-list.html वाले पेज पे आएगा ना, तो उसको ये हम बता रहे हैं कि जब इस पेज पे आना है तो ऐड द, तो एक्चुअली वो जो ओरिजिनल हमारा पेज था product-list.html उस पे जा रहा है, यानी देर इज नो मोर डुप्लीकेट कंटेंट, क्योंकि हमने तीन URLs में से बाकी दो को यूं समझे रीडायरेक्ट करवा दी मास्टर कॉपी पे। रीडायरेक्ट है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो आखिर के दो URL है ना, उनको हमने रीडायरेक्ट करवा दी है सर्च इंजन को बताने के लिए कि जब आपकी रिक्वेस्ट आखिरी दो पेजेस की आए, तो आपने गूगल को ये ऑलरेडी बता दिया है कि दीज टू लिंक्स आर नॉट द मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी कौन सी है, जो हमने ref href के बाद लिखा हुआ है। तो इन दिस वे वी कैन हैंडल द डुप्लीकेट कंटेंट इशू, क्योंकि हम डुप्लीकेट कंटेंट इशू को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इशू बहुत कॉमन है और आएगा। वी हैव टू फाइंड अ वे आउट कि जो आपका पेज रैंक है
जो गूगल है उसको नेगेटिवली मार्क ना करे. दिस इज द वन वे हाउ टू हैंडल अ कैनोनिकल्स.